लोगों को मालूम ही है कि लोकसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नज़दीक है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो हरियाणा को सौगात देने जा रहे हैं। रेवाड़ी में जो एम्स खुलने जा रहा है तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसलिए सभी संगठन के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो सभी को दिशा निर्देश दिए हैं। और इसके साथ साथ और क्या क्या कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के उस दिन शिलान्यास के या इनॉग्रेशन के रहेंगे उसके बारे में भी जो है विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। क्या क्या चर्चा रही है मैम? कार्यक्रम देखिए, हमारे संगठन के अलग अलग कार्यक्रम चलते रहते हैं, जैसे गांव चलो अभियान है और इसके साथ ग्राम दर्शन कार्यक्रम है और इसके साथ साथ जो है वो किसान मोर्चा है हमारा, वो भी अलग से कार्यक्रम कर रहा है। और इसके साथ साथ जो हमारे जो ऐसे जिनको योजनाओं का लाभ मिला है, ऐसे जो हमारे भाई बंधु हैं उनके साथ हमारी मुलाकात का है, जो की वोटर्स हैं उनके साथ मुलाकात का है, तो जो संगठन के कार्यक्रम रहते हैं अलग अलग हमारे, तो उसी कार्यक्रम के बारे में, उसी की रूपरेखा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिशा निर्देश दिए। मैम, पीएम के एम्स के अलावा और क्या क्या प्रोग्राम बताएंगे? पीएम साहब का एक जो हमारा हांसी महम रोहतक जो है वो वहाँ पर जो रेलवे लाइन नई बनी है उसके बारे में भी विचार चल रहा है कि वो कंप्लीट हो गई है या अभी कोई कहीं कुछ बाकी तो नहीं है। अगर वो कंप्लीट हो गई है तो हो सकता है कि शायद उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। और इसके साथ साथ जो हाईवेज हैं वो हाईवेज भी जो कंप्लीट हो गए हैं उसके बारे में भी विचार विमर्श चल रहा है कि जो कंप्लीट हो गए हैं उनका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।